नमस्कार, कृष्ण नेचुरोपैथी एवं न्यूरोथेरेपी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम हिमाचल प्रदेश के ऐसे दुर्लभ पौधे के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं, या ये कह लीजिए कि दुर्लभ मशरूम के बारे में बताना चाह रहे हैं, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मुख्यमंत्रीत्व काल में पत्रकारों से रिवील करते हुए, पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने बताया था कि उनकी सेहत का जो राज है वो हिमाचल प्रदेश का एक मशरूम है। आज हम उसी मशरूम के पौधे को, कैसे वो उगता है, कहाँ वो उगता है, किस हाइट में उगता है, ये सारा कुछ बताएंगे, और बताएंगे इसके गुणों के बारे में कि कैसे ये पौधा इतनी महंगी दरों पर, लगभग 30,000 रुपए प्रति किलो तक यहाँ पर उसकी कीमत है, कैसे इतने महंगी कीमत पर ये बिकता है, और किन किन रोगों में, किन किन बीमारियों में ये लाभप्रद है। हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाला ये पौधा गुच्छी के नाम से जाना जाता है। सदियों से जो ऋषि मुनि यहाँ पर तपस्याएं साधनाएं किया करते थे, वो इन्हीं पादपों के, इन्हीं जो मशरूम आज की डेट में इन्हें कह सकते हैं, इन्हें खाकर वो हजारों वर्ष तक जिंदा रहते थे। आज भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक पत्रकार वार्ता में अपनी सेहत का राज बताया था, इसी पौधे को बताया था। ये देखिए, यहाँ प्रचुरता में पहली बार हम आपको दिखा रहे हैं। आपने आज तक इस तरह का कोई वीडियो नहीं देखा होगा कि उगा हुआ आपने गुच्छी के पौधों को कहीं देखा हो। आपने निकाले हुए गुच्छी के पौधे बहुत देखे होंगे, लेकिन यहाँ देखिए नेचुरल तरीके से प्राकृतिक तौर पर उगे हुए हैं। इस पौधे की खास बात यह है कि ये उगाया नहीं जा सकता है, प्रकृति में स्वतः ही उत्पन्न होता है। और कहते हैं कि जब बादलों की गड़गड़ाहट होती है, उसके दूसरे दिन ये स्थानीय लोग जो हैं वो इसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। ये पौधा लगभग इस समय प्रति किलो जो इसकी कीमत है, 30,000 रुपये प्रति किलो तक ये बिकता है। तो ये देखिए, ये पौधा है। शिमला, मनाली, जम्मू कश्मीर और बंजार इत्यादि में ये पाया जाता है, और विशेष दिनों में, मार्च और अप्रैल के दिनों में ये प्राकृतिक तौर पे उगता है। बिजली की गड़गड़ाहट के उपरांत कहते हैं कि कुकुरमुत्तों की भांति ये स्वतः ही उत्पन्न होता है, और इसमें नियमित सेवन से कहते हैं कि दिल से संबंधित तमाम रोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, और जो व्यक्ति है वो लगातार चुस्त दुरुस्त ताउम्र बना रहता है। इससे गंभीर हृदय रोग जो होते हैं उनके लिए ये संजीवनी का काम करता है, और वैज्ञानिक भी इसकी पुष्टि कर चुके हैं कि ये हृदय रोगों में अचूक है। हृदय रोगियों को अगर ये दे दिया जाए तो उनके तमाम तरह की जो व्याधियां होती हैं, तमाम तरह के जो रोग होते हैं, पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है मर्क्यूल एस्क्यूप्लेंटा, इसे मशरूम, जो स्पंज मशरूम के रूप में भी इसको जाना जाता है, और अमेरिका में, इटली, स्विट्जरलैंड, यूरोप और फ्रांस में ये बहुधा पाया जाता है, बहुत प्रचुर मात्रा में ये पाया जाता है। इसमें विटामिन B12, डी विटामिन और सी तथा के प्रचुर मात्रा में है। इसमें कई तरह के अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं इस पौधे में, और ये बहुत सारी, इसके अलावा जो दिल से संबंधित बीमारियां हैं, इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर वगैरह में भी काम करता है, और बहुत सारे अन्य रोग हैं जिनमें ये पूरी तरह काम करता है, और इससे बहुत सारी औषधियां बनाई जाती हैं। यहाँ तक कि पेंसिलिन में भी इसके उपयोग की बात कही जाती है। बड़ी दवा कंपनियां यहाँ पर आकर 6,000 से 8,000 रुपये प्रति किलो तक इसे खरीदती हैं। बड़े बड़े होटलों में ये महंगे दामों पर इसकी सब्जी के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और नरेंद्र मोदी जी का जो मैंने बताया था, उन्होंने जब पत्रकारों को इस बारे में बताया था तो यह पौधा बहुत ही चर्चा में आ गया था दुनिया भर में, और लोग इससे, इसके बारे में जानने लगे थे। ये देखिए, हिमाचल की पहाड़ियों पर इस समय हम हैं। यहाँ देखिए बर्फीली कंदराएं आपको दिखाई दे रही होंगी, और घने जंगलों के बीच में इस समय हम हैं, और यहाँ पर ये पौधा हमें मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद।